अस्सलाम वालेकुम। आज हम किचन विद रबिया में चिकन हरीसा बना रहे हैं। इसके लिए मैंने रात को दालें भिगो दी थी। मैंने मूंग की दाल ली है 1 कप, रात को मैंने भिगो दी थी और सुबह अच्छे से साफ पानी से धो लिया और पानी निकाल दिया। गंदम का दलिया भी रात को मैंने भिगो दिया था, सुबह मैंने अच्छे से साफ पानी से धो लिया। जौ का दलिया मैंने 1/2 कप लिया, वो मैंने 2 घंटे पहले भिगोया था, इसे भी मैंने 2 घंटे बाद अच्छे से साफ पानी से धो लिया। चावल भी 1/2 कप लिए थे मैंने, इसे भी 2 घंटे पहले मैंने भिगोया था और बाद में साफ पानी से धो लिया। अब एक मैं प्रेशर कुकर लूँगी। मैं प्रेशर में बना रही हूँ दालों को, आप चाहें तो देचके में भी बना सकते हैं। प्रेशर में तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये हो जाएंगी, देचके में तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। दालें सारी डाल देंगे इसमें हम। इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 3 किलो के करीब और इसको अब हम प्रेशर ढक्कन दे के फुल आंच पे 5 मिनट रखेंगे ढक्कन देने के बाद, और उसके बाद हम बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको 15 मिनट के लिए पकाएंगे तो दालें हमारी तैयार हो जाएंगी। अब हम दूसरा स्टेप शुरू करते हैं, जिसके लिए मैंने चिकन बोनलेस लिया था 1/2 kg, उसे अच्छे से मैंने धो लिया था। इस तरह से मैंने पीस कर लिए थे। 1/2 कप मैंने ऑयल लिया, 1 teaspoon मैंने ज़ीरा पाउडर लिया, 2 tablespoon मैंने नमक लिया, 1 tablespoon सुरख मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर 1 teaspoon, अदरक लहसुन मैंने 1 tablespoon लिया, हरी मिर्चें बारीक वाली मैंने 6 अदद ली थी, 2 tablespoon मैंने धनिया पाउडर लिया, 1/2 teaspoon मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1 tablespoon मैंने हरीसा मसाला लिया। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे बीफ हरीसे की रेसिपी में दे चुकी हूँ, आई बटन में भी शेयर कर दूँगी। एक देज का लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे। आंच को मैंने मीडियम रखा है, ऑयल गर्म हो गया। अब हम इसमें चिकन डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी अब मैं डाल दूँगी इसमें। अब चिकन और लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे कि इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाए और चिकन वाइट हो जाएगा। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे पकाया है। अब इसमें मसाले डाल दूंगी। मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा इसमें पानी डालूंगी जिसमें ये गोश्त अच्छे से गल जाएगा। अब ढक्कन देके मैं इसे पकने के लिए रख दूंगी। अब तीसरा स्टेप शुरू करते हैं। कीमा मैंने 1 पाव लिया था 250 ग्राम चिकन का। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने 1 teaspoon लिया है, इसमें मिक्स करेंगे। सुरख मिर्च का पाउडर मैंने 1 teaspoon लिया है, नमक मैंने 1 teaspoon लिया है, गरम मसाला पाउडर मैंने 1/2 teaspoon लिया है। इसके हम कबाब बना के रख देंगे। और इन कबाबों को मैंने शैलो फ्राई करना है, इसके लिए मैंने 4 tablespoon ऑयल लिया है। छोटे छोटे और पतले पतले कबाब बनाएंगे। इस साइज़ के ये देख लें। इसी तरह बाकी भी मैं बना लूँगी सब। तो कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इसी ऑयल में मैं इनको फ्राई करूँगी। दालें भी हमारी रेडी हो गई हैं। प्रेशर मैंने ठंडा कर लिया था, अब मैंने इसका ढक्कन उठाया है। आप भी इसी तरह कीजिए। दालें देखें, आप देख सकते हैं अच्छे से गल चुकी हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गया है ये, तो घोटने की मदद से अच्छे से घोटूंगी। चिकन का सालन जो है वो भी रेडी हो गया, आप देख सकते हैं पानी खुशक हो गया है। अब इसी डोई की मदद से इसको हम रेशा रेशा कर लेंगे अच्छे से। चौथा स्टेप हम शुरू करते हैं घोटने का जो है। तो ये देखें, 1 घंटा तकरीबन मैंने दालों को घोटा है तो ये इस कंडीशन में आ गई हैं। तो ये हमारी घुट चुकी हैं। तो चिकन को भी मैंने डोई की मदद से अच्छे से रेशा रेशा कर लिया है।
अब इसे हम दालों में डाल देंगे। तो बर्तन हमारा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं इसे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। और गोटने से अच्छे से इसे मैं गोट लूँगी ताकि जो चिकन है वो भी इसमें मिक्स हो जाए। तो अब हम चौथा स्टेप शुरू करते हैं। एक पैन लिया मैंने, इसमें ऑयल डाल दिया, आंच को मैंने लो ही रखना है। इसमें हम फ्राई करेंगे कबाबों को। इस तरह से ऊपर नीचे करते जाएंगे, साइड इसकी चेंज करते जाएंगे और चारों तरफ से हम इसे फ्राई कर लेंगे। कबाब हमारे तकरीबन फ्राई हो चुके हैं। अब एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। अब पांचवा स्टेप शुरू करते हैं। इसी ऑयल में मैं हाफ कप ऑयल और डालूंगी। और पालक मैंने ली थी तकरीबन एक कप, उसे मैंने सादे पानी में डाल के उबाल लिया था और ग्राइंड कर लिया था। सिंपली मैंने ये काम किया था और इसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। यह हम हरीसे को तड़का लगाएंगे। तो रेडी है हमारी पालक का तड़का, जो है हरीसे में डालेंगे। गोटने की मदद से ही इसे हम मिक्स करेंगे। तो हरीसा हमारा रेडी हो चुका है। अब एक हम बाउल ले लेंगे, इसमें निकालेंगे। इस पे हम कबाब लगा देंगे। बीफ हरीसे की रेसिपी मैं अपने चैनल पे दे चुकी हूँ, आप वहाँ जाके ले सकते हैं। आई बटन में भी मैं शेयर कर दूँगी और बीफ हरीसे की रेसिपी में मैं उसका मसाला भी दे चुकी हूँ, आप बीफ हरीसा मसाला उसी रेसिपी में जाके ले सकते हैं। तो चिकन का जो हरीसा है वो भी बहुत ही मज़े का बनता है। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिया है। आप इसकी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।